हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट ईयर रूल सर्वाइवल। एंड फाइनली गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि गाइस आज जो मैं आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के रिप्लाई देने वाला हूँ। तो गाइस यार, जैसे कि आप सभी लोग बोलते हो मेरे से कि भाई यार तुम्हें इतने सारे पर्पल कार्ड किस तरीके से मिलते हैं, एंड वो मैं आपको बताने वाला। एक काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है कि भाई यार बॉर्ड बेस कैसा लूटता है तू। मैंने देखा तेरी वीडियो में यार, तू जब भी बॉर्ड बेस में जाता है हमेशा लूट लेके आता है, एंड जब भी हम लोग जाते हैं एंड हमें यार बॉर्ड बेस कहीं पे भी नहीं मिलता। पर उससे पहले यार हम लोग जो है ना अपडेट के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो गाइस यार, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा पिछले अपडेट में जो है ना कुछ 3 रेडिएशन जोन बांट दिए गए हैं, ग्रीन ब्लू एंड पर्पल। तो गाइस यार, जो हमारा पुराना रेडिएशन मास्क था उससे जो है ना आप लोग ओनली ब्लू जोन कर सकते हो, एंड ब्लू जोन के अंदर जो है ना आप लोगों को मिलेगा दूसरे लेवल वाला रेडिएशन मास्क। एंड वो कहाँ पे मिलेगा, एंड उसके लिए जो है ना गाइस सबसे पहले तो हमें ब्लू जोन में जाना पड़ेगा। एंड नॉर्मल रेडिएशन मास्क तो गाइस आप लोगों को ईजिली पता है, ग्रीन जोन में आपको ईजिली मिल जाएगा। पर दूसरे लेवल वाला जो रेडिएशन मास्क है ना, वो आपको मिलेगा सारे के सारे ब्लू जोन में। तो गाइज अभी जो है ना, पहले हम लोग बोलते थे न्यू सर्वर में जाके ग्रीन ब्लू कार्ड चाहिए, पर अभी जो है ना गाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रेडिएशन मास्क। स्टार्टिंग सर्वर में ओनली 5 रेडिएशन मास्क स्पॉन होंगे, एंड अगर वो जिसको मिल गए भाई उसकी तो बल्ले बल्ले आ गई, एंड जिसको नहीं मिले वो तो यार उन एरिया में जा भी नहीं सकता। तो अभी जो है ना गाइज सबसे पहले मैं आपको कुछ लोकेशन बता देता हूँ जो कि मेरे को पता है। तो अभी जो है ना गाइस, यहाँ पे मैं आया हूँ कुरू रॉयल में, क्योंकि मैंने जो सबसे पहले लेवल 2 वाला रेडिएशन मास्क उठाया था वो यहाँ पे से उठाया था, एंड वो कहाँ पे वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए गाइस मेरे को यहाँ पे आना पड़ेगा। ये मॉन्स्टर पड़ा हुआ है अपने पीछे, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो गाइस, यहाँ पे आप लोगों ने देखा ये टूल बॉक्स है, एंड यहाँ पे जो है ना आपको रेडिएशन मास्क मिलेगा। तो ओके गाइस, यहाँ पे हमें पहला रेडिएशन मास्क मिल चुका है, 2 हमें बॉम्ब शेल्टर में मिलेंगे। बॉम्ब शेल्टर यार मैं गया नहीं हूँ, एंड वो मैं आपको बताऊंगा नहीं वो कहाँ पे मिला। एंड उसके बाद यार मैं आ चुका हूँ नीचे वाले अबेंडेंट में, एंड नीचे वाले अबेंडेंट में गाइज हमें मिलेगा वो रेडिएशन मास्क। कहाँ पे उसके लिए मेरे को चलना होगा सीधा ऊपर। तो जो गाइज ऊपर आइस वाला अबेंडेंट है ना, उसके यहाँ पे आपको रेडिएशन मास्क मिलेगा, पर नीचे वाले अबेंडेंट में जो है ना इसके ऊपर आपको रेडिएशन मास्क मिलेगा। तो गाइज आपको मैंने रेडिएशन मास्क का लोकेशन बता दिया है, एंड ग्रीन कार्ड का यार लोकेशन काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ग्रीन कार्ड कहाँ से मिला, अगर सबने ग्रीन कार्ड ऑलरेडी लूट लिए हैं तो उसके ऊपर यार मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा। तो अभी हम लोग ग्रीन कार्ड की बात नहीं करेंगे, ब्लू पर्पल कार्ड की हम लोग बात में करेंगे जब हम लोग हार्ट ऑफ द शिप लूटेंगे। तो अभी जो है ना गाइस दूसरी बात आती है भाई, बॉर्ड बेस तुझे ऐसा कैसे मिल जाता है। तो गाइज सबसे अच्छी ट्रिक है बॉर्ड बेस की, सर्वर स्पॉन टाइम। तो गाइज यार, जैसे आप लोगों ने जैसे मॉर्निंग का सर्वर लगभग 10 बजे आता है, 10:30 बजे आता है, तो जब भी मैं सर्वर स्टार्ट करता हूँ ना तो मैं एग्जैक्ट टाइम पता करता हूँ सर्वर स्पॉन किस टाइम हुआ है, मतलब सर्वर स्टार्ट किस टाइम हुआ है। अगर मैं शाम के 7 बजे वाले सर्वर में गया हूँ तो मैं पहला दिन वाला बॉर्ड बेस नहीं लूटता, एंड मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट डे से। जैसे यार 7 बजे वेंडिंग रिस्पॉन हुई, मैं फटाक से यार बॉर्ड बेस लूटने भाग जाता हूँ, एंड डेफिनेटली यार उस टाइम अपने को बॉर्ड बेस 101% मिलता है। एंड सर्वर जो है ना, ये सर्वर लगभग 7:45 में स्टार्ट हुआ था, तो मैं हमेशा 7:45 में लूटने जाता हूँ, एंड सुबह के 7:45 में फिर लूटता हूँ। मुझे जो है ना गाइस दोनों टाइम का लूट मिलता है। अगर आपको थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूज है कि बॉर्ड बेस किस तरीके से मिलता है, तो गाइस आपको पता है शाम के टाइम मार्ट बॉस रिस्पॉन होता है, एंड सुबह का टाइम, तो बीच वाला टाइम को गाइज आपको नहीं पकड़ना है। तो जिस टाइम शाम के टाइम मार्ट बॉस रिफ्रेश होगा उस टाइम यार, उसके बाद आप लोग बॉर्ड बेस करो, 101% यार आपको लूट मिलेगा। एंड जो मॉर्निंग के टाइम पे मार्ट बॉस रिस्पॉन होता है उस टाइम 101% लूट मिलेगा। तो गाइज यही थी मेरी बॉर्ड बेस की ट्रिक। एंड काफ़ी ज़्यादा मिथ है कि बॉर्ड बेस जो है ना 6 घंटे में रिस्पॉन होता है, 7 घंटे में रिस्पॉन होता है, 8 घंटे में रिस्पॉन होता है। तो गाइज मैंने इतने बॉर्ड बेस लूटे हैं, मुझे पता है बॉर्ड बेस जो है ना लगभग 12 घंटे में रिस्पॉन होता है जिस टाइम सर्वर स्टार्ट होता है उस टाइम पे, एंड उसके ठीक 12 घंटे बाद सर्वर 6 बजे स्टार्ट हुआ है तो 6 बजे रिस्पॉन होगा, फिर लूटने के सुबह के 6 बजे बॉर्ड बेस में लूट दोबारा से रिस्पॉन होगा। आई होप यार आप लोगों को बॉर्ड बेस की ये गाइड पता चल गई होगी जो मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ,
एंड उसके बाद यार काफ़ी मेरे को रिक्वेस्ट आ रही थी भाई यार पर्पल कार्ड से रिलेटेड। तो गाइज देखो सीन ये, मैं फटाक से जो है ना पर्पल कार्ड की दो लोकेशन सबसे बढ़िया है, एक तो गाइज अपना न्यूक्लियर, अगर न्यूक्लियर के अंडरग्राउंड में ब्लू रूम तब तो यार 80% चांसेस है आपको पर्पल कार्ड मिलेगा, एंड हार्ट ऑफ द शिप 90% चांस है पर्पल कार्ड आपको मिलेगा, पर यार सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है हार्ट ऑफ द शिप लूटना, एंड वो किस तरीके से लूटते हैं यार वो मैं आपको बताऊंगा, पर उसके लिए यार थोड़ी सी ट्रिक्स है, अगर वो आप लोग कर लो तो गजब की तरीके से हो जाएगा। तो अभी जो है गाइस यहाँ पे मैं फटाफट से पहुँच चुका हूँ हार्ट ऑफ द शिप में, एंड आप लोग देख सकते हैं यार मैंने कितने सारे फिशेस पकड़ी हुई हैं। तो भाई मैंने फिशेस क्यों पकड़ी है, ये फिश को मैं स्किन करता हूँ ना तो मेरे को यहाँ पे कुछ ब्लैडर्स मिलते हैं, एक तो नॉर्मली जो होता है ना स्मॉल ब्लैडर, सो उसको जो है ना मैं इजीली खा के अपने फेफड़े में जो ऑक्सीजन खत्म हुआ है उसको दोबारा से रिफिल करता हूँ। देखो गाइस यहाँ पे मैंने जाला ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, एंड काफ़ी ज़्यादा भाई लोग बोलोगे कि भाई यार जाला किस तरीके से मिला, तो गाइस जाला जो है ना पहले हमें सप्लाई चेस्ट वगैरह से ईजिली मिल जाता था, पर अभी जो है ना जाला हमें सप्लाई चेस्ट से नहीं मिलता, लेवल 10 करने के बाद आप लोग ईजिली बना सकते हो। तो अभी जो है ना गाइस यहाँ पे मेरे पास एक कैंची है तो मैं फटाक से इसको स्किन करूँगा। तो गाइस यहाँ पे देखो अपने को ये ब्लैडर मिले हैं तो इनका यूज़ किया है, जो हमारा बेसिक ड्राई सूट है ना उसमें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ गैस सिलेंडर, मतलब तब हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड जब हम छोटी छोटी मछलियों को स्किन कर रहे हैं ना तो अपने को जो मेरे हॉट बार में ये छोटे छोटे ब्लैडर्स जो है ना ये मिल रहे हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग डीप पानी में है पर्पल रूम कर रहे हैं एंड हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर से पानी खत्म हो चुका है तब हम लोग जो है ना ये जो मेरे हॉट बार में स्किन्स ब्लैडर्स हैं उनको हम खा के अपने फेफड़े में यार ऑक्सीजन भर सकते हैं, एंड वो गाइज मैं आपको अभी बताऊंगा, एंड उसके बाद यार हम लोग दिखाएंगे आपको हार्ट ऑफ द शिप किस तरीके से लूटने, काफ़ी गजब की ट्रिक है गाइज, आप लोग करोगे ना 80-90% चांस है कि आप लोगों को यार पर्पल कार्ड 101% मिलेगा। तो आज तो अपना प्लान है कि आप लोगों को पर्पल कार्ड का टाइमिंग भी बताऊंगा। तो गाइज काफ़ी ज़्यादा भाई लोग क्या करते हैं, आप लोग नए सर्वर में गए एंड आप लोगों को जो है ना ग्रीन एंड ब्लू कार्ड मिल जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा भाई लोग यार फटाक से जो है ना ब्लू कार्ड से रूम ओपन कर देते ब्लू रूम, पर आप लोगों को पता है मैं कभी भी ब्लू रूम ओपन नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है यार मुझे दोबारा पर्पल कार्ड मिलना है 90% चांस है नहीं मिलेगा, क्योंकि यार ग्लोबल में कार्ड्स कलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है एज कम्पेयर टू ऑफिशियल, यार ऑफिशियल में तो ब्लू पर्पल कार्ड ईजिली मिल जाता है पर ग्लोबल में गाइज नहीं मिलता जब तक न्यू सर्वर है। तो आपको क्या करना है गाइज, जो ब्लू कार्ड है ना उसे यूज़ नहीं करना है, उसे आप लोग यूज़ करोगे 3-4 आवर्स में, आप लोगों ने देखोगे यार मुझे पता है कि सर्वर में जो है ना पर्पल कार्ड इस टाइम पे स्पॉन होता है तो तुम्हारा भाई यार ऑलरेडी पहले ही पहुंच जाता है, मतलब सर्वर स्टार्ट होने के 3 घंटे बाद मैं तुम्हें पर्पल रूम के गेट के बाहर दिखता हूँ, जैसे 3-4-3-0-0-0 होता है मैं तब तक पर्पल रूम के अंदर एंड फटाक से कार्ड उठा के सीधा भागता हूँ, एंड उसके बाद मैं दूसरे रूम्स वगैरह देखता हूँ, अगर मिल गया तो ठीक है नहीं मिला तो कोई नहीं, पर अभी जो है ना गाइस मैं यहाँ पे आया हार्ट ऑफ द शिप में, यहाँ पे कुछ शार्क्स वगैरह रहती हैं उनको मारना होता है, पर मैं आपको दिखाना था अगर आपके पास हार्पून गन नहीं है तो आप लोग यार उनसे पंगा मत लो, क्योंकि आप लोगों को जो है ना हार्ट ऑफ द शिप में भी हार्पून गन एंड ड्राई सूट वगैरह मिल जाता है, पर आप लोग गाइस वहाँ से ब्लू कार्ड तो उठा सकते हो पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि अगर आप लोगों के पास ये सामान नहीं होगा। ओके गाइज मेरे को महंगा वाला ड्राई सूट मिल चुका है पर वो यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि इसमें जो है ना स्किन सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है, जो अपना नॉर्मल वाला ड्राई सूट है ना उसमें ये ब्लैडर लगते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के तौर पर। ओके देखो गाइज मैंने यहाँ पे इसको रिफिल कर लिया है, अभी जो है ना अपना ऑक्सीजन लेवल फुल नहीं होगा, तो अभी जो है ना गाइज यहाँ पे से हम लोग आ चुके हैं, यहाँ से अपन को जाना है अंदर, यहाँ अपने को मिलेगा पहला जनरेटर, तो पहला जनरेटर जो है ना ग्रीन एंड ब्लू रूम के जनरेटर है, एक ही जनरेटर है अलग जनरेटर कोई नहीं है। तो चलो यार अभी मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे मेरे को एक और हार्पून गन मिला, लगभग यहाँ पे आपको 2-3 हार्पून गन इजीली मिल जाता है, भाई हेल्थ खत्म हो चुकी है अपनी, थोड़ा सा जो है ना अपना हेल्थ वगैरह रिकवर करता हूँ क्योंकि अंदर यार काफ़ी ज़्यादा गंदी फाइट होने वाली है सार्क्स वगैरह से, भाई काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा उसको करना। तो अभी यार यहाँ पे मॉन्स्टर आया है इनको मैं क्लियर करूँ, भाई इनको क्लियर करना पड़ेगा। ओके गाइस जो है ना यहाँ पे सबसे पहले तो आता है अपना ग्रीन रूम, भाई इजी ट्रिक है, यहाँ से आपको ब्लू कार्ड तो इजीली मिल जाएगा,
अगर आप लोगों को कहीं भी गाइस ब्लू कार्ड नहीं मिला न्यू सर्वर में, तो एटलीस्ट यार एक बार यहाँ पे आप क्या आकर आप लोग चेक कर सकते हो, वो पता चल जाएगा नेक्स्ट वीडियो यार मैं पूरे की पूरी जो ग्रीन कार्ड की लोकेशन है उनके ऊपर बात करूंगा। तो देखो गाइस यहाँ पे मेरे को ब्लू कार्ड मिला, बाकी और कहीं पे भी जगह आप लोग चेकआउट कर लेना तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बंदे काफी कम आते हैं, मतलब ना के बराबर बंदे आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने एक ग्रीन रूम कर लिया है, एंड आप लोग बोलेंगे कि भाई यार जनरेटर में तो तूने तो वायर डाला ही नहीं, वो क्यों नहीं डाला गाइज मैं अभी आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। वैसे मैं सोशल सर्वर में भी जाके कर सकता था, पर यार सोशल सर्वर में जाके कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को वहाँ सब चीज़ मिलेगा एंड उसकी वैल्यू नहीं है। क्योंकि गाइज यहाँ पे वैल्यू किस चीज़ की है कि मैं यहाँ पे यार काफ़ी ज़्यादा हार्श कंडीशन में ये चीज़ कर रहा हूँ, मेरे पास ना ही अपना ड्राई सूट महंगा वाला है और ना ही मेरे पास जो है ना ऑक्सीजन सिलेंडर है और प्रोपेलर है और ना ही मेरे पास फिन है, तो हम लोग जो है ना नॉर्मली कर रहे हैं। सबसे पहले तो गाइज इनको मैं क्लियर करूँ यहाँ पे, अगर इनको क्लियर नहीं कराना ये अंदर आएंगे और अपने को काफ़ी ज़्यादा परेशान करेंगे। ओके आ रहा है, ओके गाइज ये तो मर चुके हैं, तो अभी जो है ना अपने को जाना है सीधा अंदर। तो गाइज यहाँ पे जो है ना आपकी जो पहली सीढ़ी आती है तो वहाँ पे अपन को मिलता है ग्रीन रूम, तो दूसरे नंबर का जो लेवल है ना दूसरी सीढ़ी है जो टूटी हुई है खिड़की, तो वहाँ से अगर हम लोग अंदर जाएंगे वहाँ पे मिलेगा हमें ब्लू रूम। थोड़ा सा डिफिकल्ट है गाइज, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आती है अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, पर जो तरीका मैं बताया हूँ ना आपको, नॉर्मली 10 लेवल करो, जाला लगाओ, फिश कलेक्ट करो एंड उनको स्किन करने के बाद आपको ये मिलेगा, ये सामान आप लोग लेके चलना। तो अभी जो है ना गाइज मैंने वायर वगैरह नहीं डाला है, क्योंकि मुझे पता है अंदर काफ़ी ज़्यादा शार्क्स होते हैं, सो वहाँ पे काफ़ी गंदा फाइट होने वाला है। तो देखो गाइज पीछे से आ गई है मार निकले, एंड आप लोग AR लेके आओगे ना गाइज लेके मत आना भाई, इनको AR गन से बिल्कुल भी डैमेज नहीं जाता, ओनली हार्पून गन। भाई इन्होंने हालत खराब कर दी है मेरी, मार गंदर है। ओके गाइज एक तो गया, आजा भाई तू, तेरे को तो मारूंगा। ले हेडशॉट 250 का डैमेज, एक और 120 का, यार 250 का आना चाहिए था। ओके 120, भाई क्या हो गया ये इतना कम डैमेज क्यों आ रहा है इसको, 36। ओ भाई ये लगता है ये मार देगी मेरे को। ओके गाइज गया, यार मेरे को मास्क बना के लेके आना चाहिए था, पर कोई नहीं यार मैं ओनली ब्लू रूम करता हूँ, पर ग्रीन रूम के लिए तो गाइज मेरे को लाना पड़ेगा, ऐसा तो बात बनेगी नहीं। तो गाइज ये रहा देखो वहाँ पे का ब्लू रूम, तो अभी जो है ना अपने को जाना है सीधा ऊपर, वही ग्रीन रूम वाले उसमें हम लोग डालेंगे वायर एंड इसको फटाक से हम लोग ओपन करेंगे, एंड 90% चांस है गाइज अपने को पर्पल कार्ड मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं निकलता हूँ यार जल्दी से बाहर, वैसे मैं कट करके दिखा सकता था यार आपको वीडियो, पर उसमें यार बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता क्योंकि आप लोगों को यार बिल्कुल ही पता नहीं चलता। तो गाइज मैं फटाफट से यहाँ पे से वायर लगा के आया जहाँ पे हम लोगों ने ग्रीन रूम पे वायर लगाया था, तो देखो गाइज अपने को यहाँ पे पर्पल कार्ड मिला और अभी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लूट मिलता है। तो भाई यहाँ पे मेरे को पर्पल रूम का जनरेटर का लोकेशन नहीं पता था, मैं अंदर गया था भाई काफ़ी गंदी तरीके से मरा था, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन भी खत्म हो गया था एंड जितने भी मेरे पास छोटे वाले ब्लैडर्स थे स्किन ब्लैडर वो भी खत्म हो गए थे, तो मेरा ऑक्सीजन लेवल काफ़ी खत्म हुआ, मैं रास्ता भूल चुका था। 2-3 बार ट्राई करा एंड लकीली गाइज तुम्हारे भाई को जो है ना सब चीज़ मिल चुका था, तो मैंने कहा यार वो दिखा के कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है वहाँ पर, तो दिखाते हैं गाइज, दिखाऊँगा ज़रूर आपको आज। तो अभी जो है ना हम लोग फटाफट से यहाँ पे से बाहर निकलते हैं, इसीलिए जो है ना गाइस वीडियो काफ़ी लंबा हुआ, क्योंकि मैं चाहता नहीं था यार थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो यहाँ पे एकदम गजब तरीके से। ओके गाइस यहाँ पे मैं बाहर आ चुका हूँ, सबसे पहले तो मैं अपना जो ऑक्सीजन लेवल है वो फुल करता हूँ। देखो गाइस अभी मेरे फेफड़े में ऑक्सीजन भरा हुआ था, तो मैंने फटाफट से ब्लैडर खाया और जो है ना मेरा फेफड़े दोबारा जो है ना नॉर्मल हो चुके हैं। तो अभी सबसे पहले तो मैं ये ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करता हूँ इसका, भाई खत्म हो गया अंदर से जब हम, तो चलो गाइज अभी तो देखो अपने पास लूट वगैरह तो अच्छा है, हील करता हूँ एंड दोबारा से निकलता हूँ, लेट्स गो चलें। चलो गाइज चलते हैं फटाफट से हम लोग अंदर। तो भाई अंदर में काफ़ी घूमा था, मेरे को पर्पल रूम का लोकेशन पर्पल रूम तो मिल चुका था, पर यार मुझे जो है ना उसका जनरेटर नहीं मिला, एंड लिटरली गाइस मैं इतना घूमा ना अब क्या बताऊं यार आपको, पर मैं तुम्हारा भाई जो है ना आज करके ही माना था भाई।
तो भाई देखो यहाँ पे मैं आ तो गया एंड चलो गाइज अंदर चलते हैं। सो अभी जो है ना गाइज अपने को जाना है, ये देखो ये पहली दूसरी एंड तीसरी जो सबसे ग्राउंड वाली है ना, अपने को उस वाली खिड़कियों में से जाना है। पर ये शार्क है यार, इसको मारना पड़ेगा पहले। ओके गाइज ये मारा तो सही पर लगा नहीं ढंग से उसमें। ओके ये आ रहा है तो फाइनली यार यहाँ पे मैंने इसको मार दिया है और चलो अंदर चलते हैं भाई। ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है तो भाई सोच समझ के इसको करना। तो यहाँ पे से गाइज हमें जाना है इधर, और भाई किधर जाना है यहाँ पे से भाई मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। हाँ भाई यहाँ पे से रास्ता बंद है तो अपन लोग ऐसा करते हैं ना, यहाँ से जाने का ट्राई करते हैं एंड डेफिनेटली यहाँ से हम लोग जाएंगे आगे। तो ओके यार यहाँ पे से भी बंद है, चलो कोई नहीं गाइज यहाँ पे से रास्ता बंद है और अपन लोग जो है ना यहाँ पे एक डोर है वहाँ से जाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरे को कुछ टूटा हुआ दिखा था। हाँ ये रहा गाइज डोर, तो यहाँ पे अपने को सप्लाई चेस्ट वगैरह मिली। ज़रूरत नहीं है यार अपने पास सब चीज़ें। तो फाइनली गाइज यहाँ पे ओके यार ये जो है ना ये काफ़ी गंदा सीन है, इसको मारने में ना काफ़ी मेरी हालत ख़राब हो जाती है। देखो यार हेल्थ तो कितनी है पर डैमेज क्या ही गजब दे रही है। रुक जाओ मिश हो गया शॉट, ये तो अंदर ही बढ़ गई पूरा। ओके गया, तो गाइज यहाँ पे मैंने इसको मारा। अंदर जो है ना गाइज पर्पल रूम पे काफ़ी ज़्यादा शार्क्स होते हैं और वहाँ पे क्लियर करना ना काफ़ी बड़ा टास्क है मेरे लिए। मैं चाहता तो गाइज आपको तब दिखाता जब मैं पूरा क्लियर कर लिया था, पर मैं चाहता नहीं हूँ यार, आपको भी पता चलना चाहिए कितनी ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है। ओ शार्क आ गई, लग ले बेटे ये शार्क सही है यार, एक फटके में मरते हैं। तो इसमें से अपने को कुछ खास मिला नहीं। तो भाई यहाँ पे होने वाली है काफ़ी गंदी फाइट, मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शार्क्स होती हैं एंड वो जो क्वीन टाइप में है ना वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होंगी। एंड देखो यार यहाँ पे क्या ही गंदा फाइट होगा, लगभग नहीं यार मैं मरते मरते बचा था। एक आया, ओ मैंने फायर किया तब तक उल्टा पलट गया वो। अबे इसमें मारा तो डैमेज क्यों नहीं आया, लगभग 164 का डैमेज आ रहा है। भाई मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर ही खत्म हो गया, अभी तो अपने कुछ किया भी नहीं है। भाई क्या सीन हो गया, मार रहा हूं पर इसको डैमेज नहीं जा रहा है, लगता भागना पड़ेगा यहाँ पे से। पहले वो ब्लैडर गाओ यार, ऑक्सीजन लेवल काफी खत्म हो गया। आई थिंक ये तो गया, पहला सार्क गया, अभी दूसरा बचा हुआ है। ओ फंस गया मैं भाई, फंस गया। ओके गया, तो ओके गाइज यहाँ पे लगभग अपन लोगों ने क्लियर कर दिया। एक और शार्क आ चुका है, उसको भी बजाता हूँ। भाई ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अगर ये ना करो ना तो बढ़िया है। और मुझे डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने अभी तक यार ये किया भी नहीं है। तो भाई देखो यहाँ पे अपन लोगों ने पूरा का पूरा क्लियर कर लिया है, अपने को पर्पल रूम मिला, पर्पल रूम ये रहा, पर इसका जनरेटर मेरे को अभी नहीं पता, देखना पड़ेगा भाई जनरेटर इसका कहाँ पे होगा। चटाई उठा लेता हूँ यार, क्लॉथ मिलेगा। अबे एक और आगे, कितने शार्क्स हैं यहाँ पे भाई, पूरी दुकान है यार इनकी। भाई ये भी आ गए, रुक जा। अबे कितनी तीन तीर बाण खा लिया ये, चौथे में मरा भाई, ये हेल्थ पूरा खत्म हो गया था। तो गाइज अभी जो है ना यहाँ पे मैं रूम ढूंढते मर चुका था, फिर मैं अपने बेस गया, मैंने कहा यार इस बारी तो अपने को मास्क बनाना पड़ेगा क्योंकि दिख भी नहीं रहा था बिल्कुल। एंड अभी जो है ना मैं यहाँ पे तक जनरेटर ढूंढते हैं, मेरा सारा का सारा सामान खत्म हुआ। एंड देखो यार तुम्हारे भाई की कहानी यहाँ पे खत्म। भाई मैं कहा मैं तो गया, अब नहीं बच सकता, बचना टू मच इम्पॉसिबल। तो चलो अभी आते हैं। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मैं दोबारा आया एंड लगभग अंदर वाला एरिया जो है ना पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। एंड फाइनली यार मैंने काफ़ी ज़्यादा आधा एक घंटा यहाँ पे जनरेटर ढूंढा,
सक्सेसफुली गाइस, अभी जो है ना तुम्हारे भाई को जनरेटर मिल चुका है। तो आप लोगों ने यार पहला जनरेटर देखा होगा जो कि ग्रीन रूम के बगल में था, दोनों का पहला जनरेटर है। मतलब एक जनरेटर जो है ना वो ग्रीन एंड ब्लू रूम के लिए, एंड ब्लू रूम पर्पल रूम का जनरेटर जो है ना वो ब्लू रूम वाले एरिए में है। तो वो कहाँ पे मिलेगा? अभी जो है ना गाइज हम लोग ब्लू रूम के एरिया में आ गए, तो फटाफट से हम लोग जो है ना आगे चलते हैं एंड इधर जाएंगे ना आपको वहाँ पे मिलेगा। इधर ओके गाइज यहाँ पे तो नहीं है, पर यहाँ पे कुछ सप्लाई चेस्ट है, उसको फोड़ के देखते हैं क्या मिलता है। ओके फिन का रहस्य भी मिला ऑलरेडी यार अपने पास है वो। तो अभी जो है ना गाइज यहाँ पे हम लोग आते हैं एंड यहाँ पे कहीं पे अपने को जनरेटर मिला था पहले। भाई ये एक मॉन्स्टर है, इसको बजाता हूँ पहले। अभी जो है ना यहाँ पे से करते हैं और इसको बजाते हैं और अब फटाफट से डालते हैं इसमें वायर। तो गाइस चलो अभी हम लोग फटाफट से जो है अंदर चलते हैं एंड अब पर्पल रूम लूट के आते हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पे जनरेटर का लोकेशन कहाँ है एंड अभी जो है ना मैं इजीली आपको रास्ता भी बताता हूँ एंड वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाऊंगा। तो उसके लिए मेरे को फटाफट से जाना होगा अंदर। तो यहाँ पे चलो अंदर और यहाँ से हम लोग जाएंगे दोबारा से नीचे। भाई ये जगह सबसे बेकार है, इसमें ना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है। एक दो बारी मैं मर भी गया हूँ यहाँ पे एंड आई होप यार मेरे को एक अपना डब्बा तो मिल ही जाएगा। तो चलो गाइज अभी अपन लोग फटाफट से अंदर चलते हैं। आज तो तुम्हारा भाई तुम्हें जो है ना ब्लू रूम का लोकेशन बताएगा। तो गाइज यहाँ पे से मैं आया एंड अभी जो है ना यहाँ पे से रास्ता क्लोज है, तो अपन को जाना है सीधा राइट। पहले यहाँ पे देख लेता हूँ। ओके यहाँ पे से तो नहीं है एंड यहाँ पे से हम लोग जाएंगे राइट, ठीक है, और राइट से सीधा आगे से हम लोग निकल पेंगे लेफ्ट में। ओके गाइज मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुका था यहाँ पे से बाहर निकलने के, तो यार लकीली अपने को लूट तो मिल चुका अपना एंड यहाँ पे से हम लोग जाएंगे इधर के साइड। आई थिंक अपने को इधर से अंदर जाना है और यहाँ पे से देखो टूटा हुआ रास्ता है, सो यहाँ से अपन लोग सीधा निकलेंगे पर्पल रूम पे। तो देखते हैं गाइस आज अपने को पर्पल रूम पे क्या लूट मिलता है। वैसे काफी ज्यादा मुश्किलात की है हमने, तो यार अपने को कुछ अच्छा लूट मिलना चाहेगा तो लगेगा अपने हम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। अगर वही कचरा मिलेगा ना तो मज़ा नहीं आएगा, मतलब कुछ स्पेशल चीज़ मिलनी चाहिए यार एआर के अलावा। तो चलो गाइस फटाफट से खोलते हैं। भाई कितनी सब एमो चेस्ट है, लगभग 3 एमो चेस्ट आई थिंक। कुछ नहीं मिला, कंपोनेंट्स है ओनली। कुछ नहीं है गाइस इसमें भी, पर अपना बैग में जो है ना सारा का सारा कचरा भरा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ। ओके एक और एमो चेस्ट है, उसमें देखते हैं। भाई इसमें एक बैरल मिला अपने को जो कि बढ़िया है एंड अपना जो है ना ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुका है, तो अभी जो है ना अपने स्किन ब्लैडर्स काम आएंगे। ओ गाइस यहाँ पे मेरे को डीप रिफाइनर मिला, तो भाई अपना काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। तो यार अपन लोग काफ़ी ज़्यादा रूम किए थे पर अपने को डीप रिफाइनर नहीं मिला, लकीली गाइस मेरे को यहाँ पे डीप रिफाइनर मिल चुका है। भाई अब क्या ही बताऊँ आपको। तो चलो गाइस अभी जो है ना अपन लोग फटाफट से यहाँ से बाहर निकलते हैं एंड बाहर निकलने का भी गाइज रास्ता मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से निकलना है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ओके गाइज अभी जो है ना हम लोगों को बाहर निकलने के लिए जाना होगा अभी अपने राइट हैंड साइड वाले डोर से एंड वहीं से हम लोग बाहर निकलेंगे, ठीक है। भाई अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा हार्ट ऑफ द शिप किस तरीके से करते हैं एंड यहाँ पे सपने को जाना है इधर के साइड, क्योंकि यहाँ पे से टूटा हुआ रास्ता, पहले वो खा लूँ यार, ठीक है हो गया सीन।
तो ओके गाइज, यहाँ पे हम लोग आ गए, इस डोर से हमें बाहर निकलना है एंड यहाँ पे हम लोग राइट कटेंगे, इजी पीजी हम लोग इजीली बाहर निकलेंगे। नहीं यहाँ पे से नहीं, इधर से। तो फाइनली गाइज मैंने हार्ट ऑफ द शिप की पूरी गाइड बना ली है एंड स्लोली मोशन में गाइज आप लोगों को करके दिखाया है एंड आई होप यार आप लोगों को हार्ट ऑफ द शिप करना पूरा आ गया होगा एंड मे बी यार आपको पर्पल कार्ड इजीली मिलेगा। तो उसके बाद गाइज हमारा दूसरा सबसे फेवरेट लोकेशन है पर्पल कार्ड के लिए, न्यूक्लियर का अंडरग्राउंड। तो चलो गाइज अभी जो है ना मैं आपको बताता हूँ। तो अगर गाइज यहाँ पे ब्लू रूम ऊपर है तब पर्पल कार्ड मिलने के चांसेस 20-0 होते हैं, ठीक है। किस्मत है मिल गया, अगर किस्मत तो बहुत भी ज़्यादा बेकार होती है जब अगर ब्लू रूम ऊपर होता है। अगर ब्लू रूम अंडरग्राउंड में है तो भी गाइज चांसेस जो है ना 70% मान के चलो, क्योंकि अंडरग्राउंड भी काफ़ी बंदे कर लेते हैं। एंड अभी जो ना यहाँ पे मेरे को फुटस्टेप्स आए, पर मैंने कहा यार मुझे जो है ना आप लोगों को ब्लू रूम का लोकेशन बताना है, तो अभी मैं फटाफट से जो है ना अंदर चलता हूँ। भाई यहाँ पे अगर आपको अंडरग्राउंड करना है ना तो मैं रिकमेंड करूँगा आपके पास काफ़ी अच्छा ग्लॉथ होना चाहिए, काफ़ी अच्छा बैंडेजेस होना चाहिए, क्योंकि गाइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बार यह होता है ना फैटी फटता है आपके सामने, तो आपको हेल्थ भी इंक्रीज करनी है। तो गाइज यहाँ से आप लोग आएंगे ना तो आपको उधर के साइड नहीं जाना है, इधर के साइड जाना है। देखो यहाँ पे दो रास्ते हैं राइट हैंड साइड में, पहले वाले में हमें नहीं घुसना है, दूसरे वाले में हम लोग घुसेंगे, क्योंकि काफ़ी बार जो है ना वो इधर होता है, मतलब ब्लू रूम इधर के साइड होता है। तो भाई इनको मारना पड़ेगा, अभी तो ये पता नहीं किस प्रकार से साइलेंट है, पर ये इतना साइलेंट नहीं होते, ये काफ़ी उधंग मचाते हैं। तो गाइज देखो यहाँ पे हम लोगों ने मारा, सी से हम लोग अंदर घुसे थे एंड अपन को जाना है यहाँ पे। देखो ये पहला रास्ता है, दूसरे रास्ते में हमें जाना है, तो सी वाले में घुसेंगे बस अपन लोग। भाई मैं वो तो लेके आए ही नहीं, पर कोई नहीं, चलो हम लोग लेके आ जाएंगे। तो ओके गाइज यहाँ पे मैंने पहले ये पूरा का पूरा एरिया क्लियर करा, उसके बाद मैं फटाफट से अपने बेस गया, वायर और ब्लू कार्ड लेके आया, वायर और ग्रीन कार्ड लेके आया, क्योंकि मुझे पता था 80% चांसेस अपने को ब्लू कार्ड मिलेगा ज़रूर। तो देखते हैं यार ब्लू कार्ड मिलता है या नहीं मिलता। ओके गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, ये आप टी सेट में देख रहे हो, उसके राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा जनरेटर एंड उसके लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा आपको पहला ग्रीन रूम। मे बी गाइज रूम चेंजेस होते हैं, कभी ब्लू रूम होता है कभी ग्रीन रूम होता है एंड अभी जो है ना गाइज यहाँ पे पहला ब्लू रूम था, तो अभी यहाँ पे कुछ टाइम पहले अपडेट सर्वर अंडर मेंटेनेंस में गया था, तो वो यहाँ पे ग्रीन रूम हो गया एंड ब्लू रूम जो है ना और अंडरग्राउंड गया। भाई यहाँ पे हेल्थ अपनी कम थी तो मैंने डिसाइड करा उजी से बचकाऊँ इसको, तो हेल्थ तो देखो यार काफ़ी कम हो चुकी है, तो मैं फटाफट से अपना हेल्थ को रिकवर करता हूँ एंड उसके बाद हम लोग वायर डालेंगे, देखते हैं यार अभी अपने को ब्लू कार्ड मिलता है या नहीं मिलता। भाई देख लो यार तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल चीज़ बता रहा हूँ मैं, 70% चांसेस है गाइस यहाँ पे अगर रूम है ना ब्लू रूम मिलने के चांसेस होते हैं पर्पल कार्ड 70%, क्योंकि नॉर्मली बंदा अंडरग्राउंड नहीं करता है, वो तो आपके लक के ऊपर बात है गाइस आपको मिल गया, अगर नहीं मिला तो भाई फिर एक एक घंटे आधे आधे घंटे में ट्राई करते रहो, ढाई दो घंटे में तो मिल ही जाएगा। तो ठीक है गाइज मैंने यहाँ पे वायर डाला, अभी जो है ना मैं फटाफट से चलता हूँ। बस गाइज मेरा दो ही लोकेशन है एंड मैं दो ही लोकेशन से जो है ना पर्पल कार्ड उठाता हूँ, 3-3 घंटे में पर्पल कार्ड इजीली स्पॉन हो जाता है, कभी 3 घंटे में नहीं होता, 3 घंटा 15 मिनट में, 3 घंटा 10 मिनट में, 3 घंटे 5 मिनट में जो है ना पर्पल कार्ड आ जाता है। ओके गाइज यहाँ पे मेरे को देखो ब्लू कार्ड मिला, और अभी जो है ना गाइज मैं आपको ब्लू रूम का जो अंदर वाला डोर है ना उसका भी लोकेशन बताता हूँ। चलो यहाँ पे हमें बाहर निकलना है एंड सी वाले तरीके सी वाले एरिया में भी जाना है अपने को। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आए, आप लोग काफ़ी स्ट्रेट भाग जाते हो, स्ट्रेट नहीं हम लोग जाएंगे यहाँ पे से राइट, पर उससे पहले मैं वायर निकाल लेता हूँ यहाँ पे से, ठीक है। 12 वायर है आई थिंक, इतने वायर में तो हम लोग ब्लू रूम कर ही देंगे। तो चलो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे आ गए और अपने को यहाँ से मुड़ना है लेफ्ट, और चलो
और गाइस यहाँ पे हम लोग आए एंड अभी जो है ना अपने को सीधा जाना है यहाँ पे से स्ट्रेट, देखो इधर से सी के साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन फैटी होंगे भाई, इनको मारना जरूरी है, अगर दोनों आपके सामने फटे ना तो गए। तो अगर गाइस आप लोग अंडरग्राउंड कर रहे हो एंड आपका बेस काफ़ी ज़्यादा दूर है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है ना अपना बैग लगा लीजिए, क्योंकि आप लोग फटोगे ज़रूर यार फैटी से, एक नहीं दो दो बैग लगा दो तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। भाई इसको मारना पड़ेगा, आ गया देखो मारने के लिए, रुक जा भाई। भाई कितनी गोली खाएगा। तो ओके गाइज यहाँ पे से आप लोग सीधा स्ट्रीट जाओ, यहाँ पे अंदर जाना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पे हम जाएंगे, आ जाएंगे हम लोग ई वाले सेक्शन में। तो भाई ई वाले सेक्शन में आ गए तो समझ लीजिए आप लोग जो है ना अंदर वाले रूम के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो। तो यहाँ पे भी कुछ फैटीज होते हैं, इनको मारना पड़ेगा, ये फटेगा देखो आपस में आके। भाई नहीं फटा, आज तो मेरे पास उजी था इसलिए मार दिया। अगर स्टार्टिंग सर्वर में होता ना गाइस मैं काफ़ी ज़्यादा बैंडेजेस लेके आता हूँ एंड खुद फटता रहता हूँ इनके सामने। फटा, हेल्प किया, फिर आगे चलो, ये फटेंगे फिर हेल्प करो, फिर आगे चलो, इस तरीके से भाई ये सीन होता है। तो ओके गाइस अभी मैंने वायर वगैरह तो नहीं डाला है, यहाँ पे कुछ फैटी होता है, सबसे पहले तो इसको बजाऊँगा। मुझे पता था ये ज़रूर आएगा, चलो आ रहा है ये, इसको बजाओ। भाई हंटर है यहाँ पे, इसको मारना पड़ेगा। शॉटगन से मारूँ यार, चक्कू से मारूंगा तो काफ़ी लेट होगा। छोड़ा यार ये नहीं आ रहा है अपने ऊपर। तो हम लोग जो है ना फटाफट से रूम करते हैं एंड तो गाइज मैंने दो अपनी फेवरेट लोकेशन बता दी है जहाँ से मैं पर्पल कार्ड लेता हूँ। एंड अगर आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तो यार आपको काफ़ी अच्छी दो तीन टिप्स बताई है मैंने, वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलते हैं, देखते हैं पर्पल कार्ड मिलता है या नहीं मिलता। ब्लू रूम है, अभी मैंने दोना। तो देख लीजिए यहां पे अपने को पर्पल कार्ड मिल चुका है एंड फाइनली गाइज मैंने आप लोगों को अपनी दोनों फेवरेट लोकेशन बता दिया है। मैं चाहता था यार काफ़ी छोटा वीडियो बना सकता था पर नहीं, इन दोनों वीडियो में गाइज काफ़ी लंबा टाइम लगता है एंड मैं जो है ना आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा कि कैसे कैसा रास्ता है। एंड आप लोगों ने अगर पूरा वीडियो देखोगा, अगर नहीं है तो गाइज आप लोग एक बारी बैक करके और देख लिए कि मैं किस तरीके से किया रहूँ। एंड आप लोगों को भी गाइज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली होगी। अभी जो है ना मैं फटाफट से यहाँ से बाहर निकलता हूँ। देखो मैं ई वाले रास्ते से गया था, ई वाले रास्ते से जा रहा हूँ अभी। सबसे पहले तो पर्पल कार्ड को सेव करता हूँ, पर्पल कार्ड तो गाइज मैं रिकमेंड करता हूँ सबसे पहले सेफ को लो, अपने सेफ में लेके घूमो यार। कई बंदे ने मार दिया, पर्पल कार्ड गिर गया ना तो काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। ओ फैटी भाग रहा है, ओ भाई बच गया। तो ओके गाइज यहाँ पे से हम लोग सक्सेसफुली बाहर निकल चुके हैं। वैसे हेल्थ करें, ओके यार हेल्थ करते हैं फिर हम लोग आगे निकलेंगे। तो ओके गाइज यहाँ पे अपना हेल्थ वगैरह इंक्रीज हो चुका है। तो फाइनली गाइज अभी जो है ना हम लोग यहाँ पे से निकलते हैं। आई होप यार आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड आज जो है ना गाइज मैंने अपने तीन बेसिक टिप्स बताए आपको जिस तरीके से मैं खेलता हूँ। वैसे भी यार ग्लोबल में लूट कलेक्ट करना काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग होता है, जिनको ग्लोबल में लगता है ना लूट ईजिली कलेक्ट होता है तो यार एक दिन आके खेलो, सब अक्कल ठिकाने आ जाएगी। तो फाइनली गाइज चलो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही एंड नेक्स्ट वीडियो हम लोग ग्रीन रूम के ऊपर बनाएंगे, ग्रीन कार्ड के ऊपर बनाएंगे कि ग्रीन कार्ड आपको कहाँ कहाँ पे मिलेंगे। तो चलो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप यार आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर जरूर करना। सो बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।